यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक स्प्लिट एयर कंडीशनर में आप देखे होंगे जो दो पाइप होता है, दो पाइप में एक फॉर्म दिया रहता है, तो वो फॉर्म किस लिए दिया रहता है और अगर वो फॉर्म नष्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम एयर कंडीशनर में आती है और क्या नहीं, उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब देखेंगे कि फ्रिज से अगर किसी ठंडी चीज़ को जैसे अनाज हो गया या किसी बोतल हो गया अगर हम निकालते हैं और हम रूम में रखते हैं या तो क्या होता है कि उसके साइड में जो सरफेस होता है सरफेस में पानी का छोटा छोटा बूंद दिखने लग जाता है। तो वो बूंद क्या है, एयर में हमारा मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर जैसे किसी ठंडे चीज़ में के संपर्क में आता है तो जो मॉइस्चर का जो हीट है, जो मॉइस्चर मतलब जो पानी वेपर फॉर्म में था वो क्या है, हीट जो है वो हाई से लो, हाई साइड से लो साइड की तरफ जाता है। मतलब वेपर फॉर्म में जो पानी है उसका, उस पानी का जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, वो जो ठंडा चीज़ है वहाँ उस में। तो जैसे ही उसका हीट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो वेपर फॉर्म में जो पानी था वो कंडेंस हो गया और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आता है तो हमें दिखने, पानी के साइड में दिखने लग जाता है छोटा छोटा पानी का बूंद। और बहुत सारे ऐसे पानी वेपर फॉर्म में जब कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, आप देखेंगे कुछ समय बाद उस बॉटल के नीचे में बहुत सारा पानी जमा हुआ रहता है। तो ऐसे ही एयर कंडीशनर में जो दो पाइप होती है, पाइप में रेफ्रिजरेंट एक से जाती है और एक से आती है। तो रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर में चार चीज़ें रहती हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी और इवेपोरेटर या कूलिंग कॉइल जिसे हम कहते हैं। तो इंडोर यूनिट को हम कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर कहते हैं और आउटडोर यूनिट में क्या रहता है, कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर रहता है, कैपिलरी रहता है। तो कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर का काम है कि उसका भीतर में ये पाइप के भीतर में एक रेफ्रिजरेंट रहता है। तो रेफ्रिजरेंट रहने से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर काम कर क्या काम करता है, कंप्रेसर वो रेफ्रिजरेंट का फ्लो बनाए रखता है। मतलब रेफ्रिजरेंट को लेता है और देता है, लेता है और देता है, सक करता है और डिस्चार्ज करता है। ये कंप्रेसर का एक काम है। और दूसरा काम है कंडेंसर साइड में हाई प्रेशर क्रिएट करना और कूलिंग कॉइल साइड में लो प्रेशर क्रिएट करना। और ये काम कंडेंसर एक्सपेंशन डिवाइस, कंप्रेसर एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी के मतलब मदद से करता है। इंडस्ट्री में या किसी बड़े बड़े टन के एयर कंडीशनर में एक्सपेंशन डिवाइस का इस्तेमाल किया रहता है। और हम डोमेस्टिक जो इंडो जो यूनिट होती है वो इंडो एसी हो गया या स्प्लिट एसी हो गया या फ्रिज में भी आप देखेंगे कि कैपिलरी का यूज़ करते हैं। तो एक्सपेंशन डिवाइस बहुत ही अच्छा रहता है कैपिलरी के मुकाबले। तो जो भी है, तो अगर ये पाइप जो रहती है ये अगर खुले में रहता है तो क्या होगा, जो एयर का जो मॉइस्चर है सेम तरीके से जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला कि ये पाइप तो ठंडी रहती है और जैसे ही एयर का मॉइस्चर इस पाइप को सरफेस में कांटेक्ट में आएगी तो वो पानी भी क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा और स्वेटिंग होगा या पानी टपकने लगेगा। तो पानी टपकना कहीं कहीं कस्टमर की शिकायत होती है कि पानी क्यों टपक रहा है, तो पानी टपकना बंद कैसे बंद करें। तो उस केस में आप अगर आप ये इसका प्रॉब्लम है, ये फॉर्म का अगर फॉर्म नष्ट हो गया तो फॉर्म अगर आप चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम चला जाता है। और अगर ये आप नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर में हम चाहते क्या हैं, एयर कंडीशनर में हम कूलिंग चाहते हैं और अगर ये फॉर्म नष्ट हो जाता है तो उसका कूलिंग डाउन हो जाता है। कैसे डाउन हो जाता है, एयर कंडीशनर में कूलिंग कॉइल में या जो छोटा सा पाइप रहता है वहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड में सकल लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में जैसे ही जाता है वो अगर ये फॉर्म नहीं दिया रहता है वहाँ तो क्या होगा, जो बाहर का जो जो हीट है
या मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर का जो हीट है और बाहर का जो हीट है वो हीट यहाँ पर ये पाइप में से होकर जो रेफ्रिजरेंट में चला जाता है, रेफ्रिजरेंट में हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, एक तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम आती है और बाहर की सारी हीट रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर ये रेफ्रिजरेंट में वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है तो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में गैस आगे अर्थात कूलिंग कॉइल में नहीं जा पाती, और इंडोर यूनिट से हम प्रॉपर कूलिंग नहीं पाते। अगर हम प्रॉपर कूलिंग नहीं पाते तो हमारा ही लॉस है। तो अगर आपका या किसी कस्टमर का ऐसा दिक्कत देखे तो आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं, या आप ये फॉर्म भी लगा सकते हैं, या काले कलर के भी एक फॉर्म होता है जिसको नाइट्रिल फॉर्म बोलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाइट्रिल फॉर्म इस वाइट फॉर्म से ज़्यादा बेहतर रहती है, और उसके ऊपर आप ये रैपिंग टेप लगा सकते हैं, इससे इसकी लॉन्जिविटी और भी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू।